हेलो जी, राम राम जी। सारा ने कैसे हो आप सब? और मैंने उम्मीद है कि आप सारा जी खुशी हो गए। और सारा का दिल तो शुक्रिया जो इतना सारा प्यार दिया। मेरी मेहंदी कुछ इसी रची है, मैंने तोड़ी तो दी थी क्योंकि आदू लगी थी रोन मेरी माँ गई थी सो, और जितना करनी थी एडिटिंग महल्ले हो जाएंगे फिर ये भी। और दो ही लिए मैंने, सुखी कौन थी बल्कि फिर भी मेरा इतना रंग आ गया सही। अरे तो और भी चढ़ेगा, बस यही लगेगी मेरे को तो और नहीं लगेगी। और बाकी आज का व्लॉग काफ़ी मज़ेदार होना है। इबे तो है सवेरे है तो मैं ले उन्ना है क्योंकि आज जाना हमने दादा शामी पे दिया लगान। तो मेरी माँ घी काटन लग रही है सुचा उसका, तो मेरी माँ तैयारी कर लेगी जब तक। और मैं ले उन्ना है, जीत की एडिटिंग इबी भी रह रही है तो वही कहो है कि मेरा फ़ोन दे जी क्योंकि दो दिन व्लॉग हो जाए नहीं और रात इतना लेट हो गए थे, ज़्यादा टाइम लगा है तो हाँ ई बाप कर लो इतना उठ लो बोले मैं ठीक इतना एडिटिंग करूँ तू लेना है। और आज मैं सूट पहनूंगी, यो वाला सूट पहनूंगी आज मैं दूसरी बार। और ईसा सेम रविता ने भी स्टिच करवाया है, शिवांशु का बर्थडे था मेरी सिस्टर ने तो हम दोनों बेबे ने सेम सेम करवाया है। ये देखो ये वाला पैर लो। हाँ जी, सवेरे सवेरे का टाइम है और 7 बजे हैं। गुड मॉर्निंग सबने, मैं भी उठ लिया हूँ और शुक्रिया आप सबका, बढ़िया बढ़िया विश आप देने लग रहे हो। पहले आप मन्नत दे दियो डेली रहती फिर रोज दे दूंगा। यू फिर नहीं गुण सके, एक बार कह लिए कि पूरा ही दिन नु अबे पाछे पड़े रहो। तो फिर जो मैंने उठा तो कह देते हैं तो फिर आज फाग है और मारी लग गई करे दादा श्यामी पर तो कलान जाना है। रिंकू तैयार हो ली है कह, और यह कह रही थी कि माँ और यह जा रहे होगा स्कूटी पे। इब की प्लान है फिर? वो जब था जब अंधेरा अंधेरा था इब चाहे ना लिख गए इब तो चाहे तो आप चालू चाहे काला चालू कौन सा चालू चाहे मैं बस नो इब भी हो गया कुछ नहीं क्यों करेंगे जब भीड़ कम पावर क्योंकि सवेरे सवेरे तो छीड़ होगा बाकी हो तो जब भी भीड़ लेकिन जब स्कूटी चलाने में कोई दिक्कत को नहीं और दो जगह जाना फिर भीतर फिर पड़ना है रोज नए नए सूट पहनने पड़े तो थोड़ा बहुत करना पड़े इस कर कुछ भी नहीं लगाया। फेस पर फेस वॉश कराया है, लिपस्टिक लगाई है, लाइनर लगाया है और मस्कारा लगाया है, सिंदूर लगाया है, बस कड़े डाल ली और होगी मैं रेडी। व्लॉग तो आप देखने लग रहे हो और मैंने उम्मीद है कि आपने व्लॉग देख के मजा भी आ रहा होगा, लेकिन मैं कुछ दिन आते ही बात शेयर करना चाह रही थी आपसे पर एक जिन को था करूं के ना करूं तो सोचा आज मैं करी दूं। और जो ये बात शेयर करने लग रही हूँ मेरी फीमेल इसने फीमेल ऑडियंस ने तो फायदा मिला ही मिलेगा, साथ के साथ मेल ऑडियंस ने भी फायदा मिलेगा। अब आई देखा यहाँ की मार्केट में कितने मतलब ढेर सारे ब्रांड है जो तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊँ कौन सा यूज करूँ कौन सा ना करूँ। और इसी डर की वजह से मेरी दोस्त भी मैंने 2-4 दिन पहले बता रही थी कि उसने तो अपना कोई स्किन केयर रूटीन भी कौन सेट कराया, सिर्फ उसके नहीं सभी का ये डर हुआ है कि कौन सा ब्रांड यूज करा कौन सा ना करा। और फिर दूसरा डर यो भी रहा है कभी आप कोई भी ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर ला उसका अपनी स्किन पर कुछ नुकसान नहीं हो जाए, वे प्रोडक्ट उनकी स्किन पर कुछ साइड इफेक्ट नहीं करते तो उस करके उन्होंने सोचा जुकर है नहीं नुए ठीक है। मतलब सभी ना डर लगा स्किन पर नए नए प्रोडक्ट और नए नए एक्सपेरिमेंट करते हुए नए नए प्रोडक्ट यूज करते हुए। और फिर लोग नू भी कंफ्यूज रहे हैं कि कौन से प्रोडक्ट उनकी स्किन टाइप के हैं कौन से प्रोडक्ट उनकी स्किन ने सूट करेंगे। मेरे तो अभी पर्सनली आप सबके पूछते रहो मैसेज भी आते रहो और आप पूछते भी रहो कि मैं कौन से प्रोडक्ट यूज करूँ कौन से प्रोडक्ट मेरे खातर सही रहोगे। मतलब बहुत कंफ्यूजन है इसमें क्योंकि सबने अपनी स्किन का प्यार है और मेनली लड़कियां ना तो जमा ज्यादा है अपनी स्किन पर लेके फिक्र हुआ है कि मैं सुथरी दिखूं और मेरी स्किन ना लेके ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो या फिर कोई भी स्किन प्रॉब्लम है तो वह अच्छे तरह ठीक हो जाए। तो मैं तो यहाँ सलाह आपने जरूर देंगी कि जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुआ है उन्हें की सलाह लो, उन्हें तो बात करो, उन्हें पे अपनी स्किन की जांच करवा के ट्रीटमेंट करवाओ। लेकिन इसमें एक पंगा के है कि आपने हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, पर्ची कटवानी पड़ेगी, फिर जाके डॉक्टर दवाई बताओगे तो खर्चा भी गणाई हो जाए है और टाइम भी गणाई लगेगा। और फिर यह चीज उरे नहीं मुकती, आपने बार बार डॉक्टर के दौरा जाना पड़ेगा अपनी स्किन से रिलेटेड, बार बार चेकअप करवाना पड़ेगा, बार बार आपके रुपये लगेगा और बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में आपने कोई ऐसा ब्रांड चाहिए जिसमें डॉक्टर आप तक घर बैठे फ्री में आपकी जांच कर दे, फ्री में सारी सलाह दे दे और घर बैठे आप दूसरा प्रोडक्ट पहुंच जाए जिसमें आपका पैसे भी बचे और आपका टाइम भी बचे। और ये सारी सर्विस आपने सिर्फ और सिर्फ क्योर स्किन ब्रांड देश का है। आपने मेरा है कि मैं भी क्योर स्किन से जुड़ी हूँ। क्योर स्किन आप आसानी से प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सको हो, ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप अपनी रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सको और अपनी भाषा सेलेक्ट कर सको हो, फिर वे आपने पर्सनल आपका स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी देंगे जिसका आप चैट करके आपकी स्किन की जो भी समस्या हो सारी आसानी से बता सको हो, फिर वे अच्छे से आपकी स्किन की जांच करेंगे, फिर वे आपकी स्किन के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको किट कस्टमाइज करके देंगे
जुकरिया देखो या मेरी किट है प्योर स्किन की, आप नू ना सोचिएगा मेरी किट है आपने भी इसलिए किट मिलेगी या मेरी स्किन का अकॉर्डिंग है मेरी स्किन के हिसाब से आपने आपकी समस्या आपकी स्किन के हिसाब से किट कस्टमाइज करी जाओगी और वह जो किट होगी वह बहुत बढ़िया होगी और उसका रिजल्ट आपने मिले ही मिलेगा। जुकरिया मेरी किट है तो इसमें मैंने फेस वॉश मिला है, सनस्क्रीन मिली है, कुछ ये और भी प्रोडक्ट है और ये सारे प्रोडक्ट आपने किस टाइम कुकर यूज करने हैं वे भी आपने सारा कुछ डॉक्टर बता देंगे और या किट यूज करके ना आपने रिजल्ट इस करके मिला है क्योंकि या किट अपनी स्किन के हिसाब से अपनी समस्या के हिसाब से कस्टमाइज की जावे है और जब यह किट अपनी स्किन ने अच्छे तरीके से क्योर करे है। आप मेरी ये फोटो देखो, एक मेरी पहले की है एक ईद की है, दोनों फोटो में फर्क साफ नजर आने लग रहा है और यो सुधार मेरी स्किन में इसे करके आया क्योंकि मैंने सही प्रोडक्ट यूज करे है जो कि मेरी स्किन टाइप की है और इसमें डॉक्टर हर महीने आपका फ्री में चेकअप कर दे रहा है, स्किन एनालिसिस कर दे रहा है और आपके समय के हिसाब से मौसम के हिसाब से प्रॉपर डाइट बना के दे रहा है। तो मेरे हिसाब से तो कोई ब्रांड हो नहीं सकता जो आपने इतनी सारी सर्विस फ्री में देने लग रहा है। हर महीने डॉक्टर आपका चेकअप कर दे रहा है, बीच में कोई समस्या आ जाए आपकी स्किन से रिलेटेड उसका समाधान ढूंढ के दे रहा है, कितना स्किन में आपकी स्किन में सुधार हो गया कितना होना बाकी है इस चीज का आपने बिरा लगता रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया और ऑल इन वन ब्रांड है तो आपने भी इसका गैल जरूर जुड़ना चाहिए। इतना सारा कुछ आपने फ्री में मिलने लग रहा है और सिर्फ रुपये लागत तो इस किट की लागत या भी सिर्फ 1499 में आपकी पड़ेगी। उसमें तभी जो मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर है वे 100 सब्सक्राइबर जाएंगे प्योर स्किन पर ये प्रोडक्ट मंगवाओगे उन्हें मेरे इस कूपन कोड का यूज करके 300 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो देर बिल्कुल भी ना करिए, कदे आप तो पहले कोई और डाउनलोड कर ले तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा और कमेंट में भी पिन रखा है जड़े आप प्योर स्किन ऐप आसानी से डाउनलोड कर सको। और इफ डिसाइड न्यू है हमारा कि मेरी रात ने मैं थोड़ा सा तोड़ा तो होने फर्स्ट सोया तो वही था 2:30 बजे सोया हुआ मेरे साथ तो उस टाइम लग मेरा एक ही व्लॉग एडिट होने पाया तो मैंने दो और करने हैं और फिर बहुत सारा काम है तो इनती दीवा लैग आने में लग जाएंगे 2 या 3 घंटे तो मतलब लाइन अच्छी लग गई भाई 3 घंटे का फालतू लैग जाएगी बुरा। तो मारा यू डिसाइड होया कि मेरी बहू मेरे बाबू की बहू और मेरे ताऊ की बहू का छोरा ये तीनों जाएंगे। आपकी बहू तो यह तीनों जावेंगे दीवा लाने हैं। और मां पहला मैं बोली कि रात ना आई थी इसका भी वो ही सेम टाइम है फिर टाइम काम लग रहे भाई 2 मिनट की कुर्सी ना लाएगी उठी बात तार तो पहले ना आएगा नहीं वो तो कदेगी ईव कम मैं तो काम लग रही होगी ये एक तुम्हारे दोस्त तो हम लाएगा मज़े यहाँ से कोई करेगा मेरा दोस्त बेटा तो पहला प्लान मारा था जाने का क्योंकि मैं और रिंकू ही जाएगा मन ने रिंकू ने जाना था पर ईब थोड़ा सा चेंज हो गया मैं मेरा एडिटिंग वाला सीन मेड जूंगा इतने और ये वो वाला जो है बाबा वे दीवा लाएंगे ताकि वो काम भी बन जाए या मेरे तो बल्कि सवेरे तो यू डिसाइड हो कि मैं आपे बग जाऊंगी मां ने ले गया मैं तुम्हें करता हम ठीक है दो ही बग जाओ फिर ईब उठा जे मेरा मूड पलटा राम जाओ कोई दिक्कत तो नहीं 100 नंबर पर कौन के हुआ है पुलिस के एम्बुलेंस 108 पढ़े लिखे को गवा रहे तो मारा पुलिस तैयारी एम्बुलेंस वास्ता पढ़ता है कोनी और उम्मीद है कि रब करे ना पढ़े ठीक है और ना पता की है जो आदमी वेला हो रहा टेम हो रहा पर जो सारी चीजा में ध्यान देख रहा जो हाँ जो काम लग गया हो रहा नहीं तो उस टाइम पे उसका दिमाग सिर्फ अपना काम में रह गया तो ये डिसाइड होएगा रिंकू और माँ ही जावेंगे स्कूटी पे हैं ना होगी चलो नहीं ले ये फिर तो इधर मेरा चाचू पिया देवी मैं और भी सारा काम कर ली मैं उठ दिए सिंगर ली नया सूट पहन लिया मानू का तू छिट्टी लाओगी इसके यार बात सही है फिर इतना महंगा सूट है 6000 का केदा दादी ने तो सुबह में आया मैंने विश्वकर्ण और गल्ला दे गया पीछे आया कोई बात नहीं चाचा चाचा ना करा था मारा नु होए रे जो छोटे बालक बड़े ने विश करे रहे तो पीछे देखा जाए रहे पीछे क्या नाम के देखे गए ने इसकी दाद माने दी होगी खुले करवान खाता दादी शाम में तो चढ़ाना खाता मान दुकान पे तो मंगाए दे और आ तू भी सुत्ते हो ना तू इसने मिठाई का ना परला का मना ले जो ना कर ले ताकि मेरे लोग रह जाए कि और मैं इतने ध्यान रखे जाना
हो गई है सारी तैयारी, इन गाड़ी है कैड ली है गाड़ी की, उस दिन के गाड़ी पे जाए अंडो हुदू है तो लो इस गाड़ी में है टेम टेम तो सह हड जे रात भर रात में नाऊ मेरी माँ गई है एक बार प्रसाद लेन गई है शायद, जो मम दूध बरत्या करानी उसके ना जो दे दिया करा उसके रुपये ले लिया करा, तो उन्हें रुपये का प्रसाद बैंड लिया करा, ताऊ ने मेरे तो कुछ इसी स्टोरी बताई है इस तरह के तात्पर्य लिखड़े के मतलब लिखड़े उसका वेरा ने चल खोलू कुआड़ आएगी चलो माँ आएगी माँ आदू राजा उठागा आज सोच गई मम्मा खड़े गई उसने उठ दे तो चाहिए एक बार आहो गई सा चवा दिन में उठो चको या उठो उठ दे तो एक बार उसने टम्मा चाहिए उसके टम्मा पहले स्कूटी की सलाह हो गई थी फिर दोनों भाई गले तो मरू मरू करने लायक जी है गले तो नुगा जा जितने आवे तो चलाओ जा लीजिए फिर गले नुगा जी रहन दे फुट्टी आवेगी मेरे तो मारा तो किमें लगता तार तार बिना काम नहीं चलना तो फिर मैंने टाले कर दी मजे भरे अपने गाड़ी मेरे बैक लेने लगे तो दिक्कत की है। 8:40 होगी सारा ही 10 मिनट का रास्ता है मारे तो और आप मन्ना को खुद जुनू अच्छे हो खुद कच्चे कच्चे ड्राइवर ही नहीं हो अपना ही हो गया स्कॉर्पियो अपना तो ही भाई भी वापिस है नी अपना ही है तो मारे जान लग रहे वापिस साहिल और हमें लगाने के लगाया जान लग रहे हाँ भीड़ बहुत ज्यादा हो रहा है ये थोड़े वक्त तय करिए आए थे 7 बजे 1.5 घंटा लग गया इन्हें धोख लगाने में तो इसी हिसाब से आप एक कैब जे 10:30 बजे या 10 बजे चल लाँगे वापिस है नी जे भीड़ नहीं पाई तो बाकी सवेरे लगान तो ज्यादातर जाता आवे ताकि भीड़ नहीं पावे लेकिन सारे नु सोच के आवे भीड़ कौन पावे सवेरे कटम है जी आपे कहो थे गाल में उस आदमी ने कहो थे दिखवाई भाई मैं कच्चा ड्राइवर हूँ आले मैं तो उससे कहूंगा फिर कच्चा ड्राइवर हूँ फिर मेरा क्या हुआ परसों हाँ। एक छोटा हाथी खड़ा था गाड़ में और उन्होंने कह कर बिना गुरुआ चले को नहीं कर दिया तो बिना गुरुआ चल लिया मेरे तो उन्हें गाड़ी इसकी आई है सुने बराबर में बैठे की सुने इसकी आई हो मैं काटन लग गया मैं उरली साइड देख के उस टम्पू लो काटन लग गया बस लो काटन उरली साइड देख के काटन लग गया और उरली साइड मेरा खाली में उतर गई बच गया उतन की मैं लग गया को नहीं और पाछा यूए खड़ा था छोरा बोला उल्टी कटाई करके बैग ले ले नहीं तो टायर खाली में जावागा उल्टी कटाई करके बैक ली बच गया टायर जाए तो पूछो ना मैं मत खड़ा हो जाए न्यू बताया जी पर काली में नहीं बच गया टायर फिर आज इसने ज्ञान की बात बताई है समझी तो उरली सेट देख ले चेप का ले जा ट्रैक्टर का परले सेट गाड़ी उतर दिए हो नहीं खाली में पूरा ना बिड़न दिए इसके और दादा शामी का नाम लेकिन पहुंचे गए पुचाए दिए भीड़ लेकिन निबिन हुए देखो गाड़ी पे गाड़ी उड़ रही इतने ही जान लग रही हर इतने आने लग रही है फिर मां लाइन में कर दिन को थोड़ी जल्दी है जल्दी गए जो से पहला है रही है उन्हें कौन जल्दी पर इतनी बड़ी लाइन लग रही नहीं आज मुश्किल तो ही नंबर आओगा जमाटे सब तो सबके चलने है जुगर दिखाऊंगी थोड़ी देर में कितनी भीड़ हो रही मंदिर का चुगरदन को बाउंड्री लग रही है पहले आकर आदमी लुगाई की दो लाइन लग गया करती लेकिन इब की बार एक ही लगा दी और फिर केस लुगाई के दिमाग लगाया कर दी जुगर आदमी वाले कम होंगे नहीं आपको टेब आदमी वाले में खड़ी कर देंगे हाँ चाहे लुगाई वाली छोटी होंगी तो फिर अपना हस्बैंड आंदा आदमी साइड में खड़े हो जाते लुगाई ले जाते लेकिन इनकी बात पूरी बड़ी है इमा रिंकू तो हमने बेरे या जहरे हैं बैर दादा शामी पे दीवा लान और मैं और आदू आ करा आदू ही उठा है बस काफी देर हो गया तो जाया ना माहौर ने 9:30 हो गया वे और डूले के रे बंदर गुड मॉर्निंग भाई आदू भाई गुड मॉर्निंग अरे भाई आज साले बीच कर रहे हैं हमें हैप्पी एनिवर्सरी तुम नहीं करोगे करोगे नहीं अले बांदल जी कल तो बेसिस ने तुनू हाथ 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 पैल मारने मैं मैं ले जावा या उठ दिए पोटी सुसु करे गला मैं देखूं जे बड़ा जुगाड़ करवाण कर देगा पूरे 1.5 घंटे तो लग गया हमें लाइन में घंटा और लगा ऊपर तो धूप में तप गए पहले पीछे तो बड़ी छोटी दिखा कौन थी जब लग ठीक था पाछले दिखने लगी मैं संतुष्टि सी होगी जी सा तो लग गया पाछले लाइन देख के मारता पाछ भी और नहीं हमने सोचा थे मारे मामे लेट आ पूरी बड़ी लाइन लगी जितना भी मंदिर है नहीं चुगरदन को लग रही है बस ये तो इतनी सी लाइन रह गई है बाकी पीछे घनी बड़ी है या भी बहुत है जमाटा सट्टा से जान लग रहा है आज तो कछुओं की चाल चल रहे हैं सारे और ईब जिन्ने रिंकू का मेकअप करना है आज वो मेकअप आर्टिस्ट भी आ गए हैं अपने घर तो रिंकू ए वर्गी सी है यार उसकी दोस्त है पता नहीं मतलब है उनके आगे की आगे ही इशारते हैं तो वह आ गए हैं मतलब रिंकू भी आई को नहीं है दीवा लैगन है ना आई
आदू उठ गई थी, आदू ते आदू ते मैं पहले पोटी कराऊं दा, उन्हें करी उन्हें फिर जामी में थोड़ी कर दी, फिर साफ सुफ करी वा, तो फिर कुछ दूध बिस्कुट थोड़ा सा मैं उरे खुआने लग गया, फिर उसकी ताई उसकी बुआ और उसने परान लेगी, तो फिर मैं खुआने लग गई उसने, और मैं नॉर्मली इनका पानी पुनी पिया हो कर इनकी बिठाई हैं, और रिंकू और माँ लो भी मैंने फ़ोन कर दिया हूँ, आ जाएंगे थोड़ी देर में, फिर लग जाएगी रिंकू तैयार हो, 10:30 का लगभग टाइम हो गया है, तो ये देखो भी कितनी देर बाद तैयार होने वाला आएगी, और फिर मन्ने भी तैयार होना है, तो मेरे तो वैसे नए कपड़े भी कोई आए, तो देखो मैं जुगाड़ लाऊंगा कुछ, किस तरह होगा किस तरह नहीं। आलिए धोख लगाया कि नहीं, और इतना कट आराम लास्ट से मैं तो आदू के फोन आलिए दो तीन तभी रोन लग रही है, रोन लग रही है, तो मेरी माँ ने क्या करा अगर सी पूछ लिया उन पे भी, एक तो पोटी कर रही है पोती, दूसरा दूध भी पहना जी अगर लैग जू, तो उन्होंने कह दिया लैग जी, मेरी माँ ने मैं बुला ली, मैं और कोई नहीं, मेरे तो पीछे सारी लुगाई होली जुड़ू कही भी बीच में जावा हम भी बढ़ांगे यार, फिर नाम आ गया मेरी माँ का सारे कह रिंकू की सासू बड़ी है, रिंकू की सासू हो रही राम ये बाबा दे दादा श्यामी इन्हें एक ही लगवा लिया, हम तो फिर मार लिया माँ नुसी करवाएंगे, फिर मेरी माँ तो जमा बोली बेबे मैं तो बड़ी थी पूछ के, आदमिया तभी कहा लुगाइया तभी कहा, जब जाके सारी चुप हुई नहीं सारी रिंकू की सासू यार, रिंकू बढ़ गई रिंकू की सासू और राम आदमी भी लुगाई भी, जबकि मेरी माँ पूछ के बड़ी थी, अरे गले फिर आदमी भी उठ लिए, पाछली भी आएगी मारते पाछली 8 बजे कह रहे हम भी 8 बजे आए थे, बहुत गुंडा खा मैं सच में, चलो फाइनली बढ़िया तरीके से दादा श्यामी के दर्शन हो गए, और फिर आदमी का बालकियाना से नुकर करके खड़े हो जे, दो थे मेरा गम्मा ले भाई पहले आप पे बढ़ जो, हम तो फिर बढ़ कितने बड़े फिर भी हम तो पूछ के बड़े थे, और जे नेट भी जंदे तो ताल भी कर देंदे नू थोड़ी दिक्कत बड़े थे, और जबकि मेरा है मां का यो है अपने तक 3 छोरे बड़े जीते भी छोटे छोटे, मैं कुंभा बोलो बोलो बोलना सीखो नैनू फटक नहीं सीनू कर क्यूँ भाई, 3 गए एक मार दो जो मैं पिछला है उसका जोड़ा कोई और लेगा रग जाके लेगी, मेरी माँ का सारा दिन यही चीज रहेगी, क्योंकि सारी लुगाई नु कहने लगी नहीं रिंकू की सासू या बड़ी या बड़ी, ये पूरा दिन यही भड़क लेगी, जबकि नु ये कहने लगी मैं तो कदे बड़ी को नहीं, आज आदू के मैरी बढ़ना पड़ गया, आदू के मैरी सच्ची यार जमा जान दिए कराई कोई बात थोड़े है भाई, जमा को जिद दी आदमी भी चक दिया लुगाईया ने भी चक दिया काम है, अरे वे बोल बोल ले उनके जमा जा जा छाती ले इसा काम हो गया जमा के तो कब उनने के नहीं वहां, और ई वे गए हम दादा शामी का प्रसाद चखन, और जो चावल वगैरह है शक्कर गल्ले खाया करे और हम कुछ खांदे को नहीं, क्योंकि आदू रोन लग रही घर, और प्रसाद लेना जरूरी हो है, तो जमा थोड़ी थोड़ी देखो एक घुट में ले एक घुट माँ एक घुट काड़ा ने पीली प्रसाद चख दे फिर चलना सीधे खाना होगा घर जाके खा लेंगे, प्रसाद की नाम की तो चाय बतेरी हो है, बाकी इनकी बार भीड़ बहुत ज्यादा है बहुत गणी है, कितनी देर हम नंबर आया कितनी देर हम उड़ा आया, और एक है नहीं आदमी लुगाइयाँ की लाइन मिक्स हो रही है, पहले आदमी अलग होया कर दे लुगाई अलग होया कर दे, तो भीड़ में धक्के धक्के मुक्की करके नो चल रहे, 11:30 बज गए हैं, एक मिनट रह गया 11 बजे, कितनी देर हो गई मैं उसने घुराने लिया करू जब उठते दूध पिया करी आ करू ताकि जन्दे खेल लेगा उठते तो एक बार मम्मी जी उसने दूध मांगे गए ऐ लिए घरा और घर की खड़ी बग्गी खड़ी करा मैं देख लियो 12:15 हो गए है मतलब पूरी भीड़ लग रही थी भी मैंने फोन करिया था उस टाइम पे मंत्री बोलिया की मैं तो ओड़ा हूँ की ना मैं बैर बैठे गाड़ी में लाइन में ये क्या गड़बड़ चल रही है भाई ए बेचारी ने एनिवर्सरी वाला दिन भी रोटी नहीं मिलती तो इसकी मेकअप वाली आई बैठी नहीं जानता इस टाइम बोले पहला रोटी खा ले तो उसमें लग गई आने चून भेड़ में सारा सौदा करने में तो मैडम जी ने न्यू लैगी खान चाह चू कि गल कर ले फिर डंग तय खा ले 5 मिनट में खड़ी नहीं कि हों पूरा दिन करना है फिर और कल ही खतर थोड़ी बनानी चून तो भी होगी सारे का ठीक है तो देखो क्या क्या प्रोग्राम रहता है आज का और आदू राजा तो मैं कराऊ था पोटी सवेरे उठ दी इस मैं लग गया कराने जो तो करी को नहीं फिर जमा थोड़ी सी करी मतलब पजामी में फिर मैंने तले बिठाई मतलब पैर बिठाई को नहीं करी फिर मैंने उस मुड्डा सा बिठाई उस पर भी को नहीं करी फिर साफ कर दी मैंने
तो ई माँ ने इसकी पजामी कैटी नुआन खेतर इसने तो फिर करती अरे डुगले अरे डुगलू ओ पंगे बाज ई बात दूगा दादू ए लिया है इसने खिलान खेतर रिंकू लग रही है सब्जी रोटी की तैयारी करन क्योंकि जो इनका मेकअप करन आ रहे हैं ये भी खावेंगे पहला तो मैं सोचा मैम तुम खा लें चुटने चुटने के लिए फिर जो भी रॉबर्ट है भाई भी खाएंगे तो फिर एकदम रिंकू ने सब्जी चढ़ाई एक बार तो मैं सोचा ठीक है बस स्टैंड बदल लिया वहाँ बड़ी बनाई फिर पता चला एकदम से झटका लगा कि आज तो फाग है सारी मार्केट ही बंद है तो टाइम बहुत लगना है बस मेन चीज यह है कि टाइम की ही कमी है और दीवा लाने गई तो आ तो उठे भी जमा तोड़े थे जमा सवेरे उठ लिए थे पर और बहुत ज्यादा टाइम लग गया जाने में वो कर ले मां रोटी बना दे तो सब्जी चढ़ा दे बर्तन मैं कर दूंगा अगला ताव उठा बन लाना रहा मैं दूंगा मैं कहां अरे नहीं तारा चून इन्यू किन्यू है प्रियंत ये आलू बास्टन सारा सुधा दे दे ताऊ जोड़ पे इसके मित्र हम पुए लिया होगा अरे बास्टन हम नारम दो ले आएंगे आप पे दो गधर दे जाएंगे मैं वहाँ अपना रोज रोटी मांगने तो आई रहे ताऊ जाएगा हम तो सीधा कर देगा ताऊ के बाद अरे तूड़ी लेने एक दिन से छोरा आया वाह जी दो रोटी दियो ना आप कौन ले गया साहिल ले गया बोले दो रोटी मिर्च दे दे दी ले जावे कह दिला तम तारी बना लियो मारी बना लियो ये मंत्री लग रहा रोटी खान और मैंने रिंकू ने शूट करना नहीं मारा एनिवर्सरी का फिर कुछ केक को काटा नहीं भी देखो के बनागा पैर का तो मेरा प्रोग्राम है हुनी तो अरिंग कोई मेकअप कराने बैठा मैं मेरा कुर्ता पजामा पहन लियो ना कहने क्योंकि मेरे तो को ड्रेस आना नहीं पाई थी नहीं वो जुगाड़ कराना पड़ा कि मन की मैं देखो भी चौधरी साहब कैसे तैयार होते हैं यहाँ पे चला गया उसका मेकअप हो गया ना अभी आपके कपड़े कितना ही किमें कर ले जा रहनी तो तन्नू आज पूजा होनी थी बनाई थी सब काम बंद करवा दिए ठीक है फिर आवर हो जाएगा हैं फिर आवर हो जाएगा आवर नहीं मतलब नेचुरल सा लग रहा है नेचुरल करेंगे ठीक है वो मेकअप हो गया जो नेचुरल तो ही नहीं सकता नेचुरल भी हुआ है किसका दुख है हैं मैं पूजा पहले तो सिर की दवाई ले फिर बनाइयो मैंने बढ़िया से देखो मैं न्यू कही करूँ वह बात मेरी सही है इसने इसके लो आई ने मतलब एक घंटा भी को नहीं होया घंटा भी कम इसने सिर दुखा दिया तो मेरा की हाल कर रखा हुआ है तो फिर जो इतनी आना मैं सिर दुखा दिया यार वो ही तो कहूँ फिर इतनी आना मैं सिर दुखा दिया मेरा की हाल कर दी होगी वही तो कहूँ मैं तेरा पूरा आदू ने देखो पूरा मस्ती में फैल रहा आदू और हो गया मेरा मेकअप शुरू अब मेरी ड्रेस का कलर जान गए हो गए टिक्का लगा लिया इस तरह भी और ये भी लगवाई मैंने लेंस से बोला करनी पूजा और आज ये सेकंड तीसरी बार पता नहीं दूसरी बार मैंने यूज करी होगी दिक्कत तो आज भी हुई उतने आंसू आए सबके नु हो या जो पहली बार या दूसरी बार यूज करूँ उनको है मोस्टली होता है जब जो ज्यादा टाइम यूज करते हैं ना हाँ उसके नहीं होता ये हाँ तो मैं बहुत कम यूज करूँ हाँ, बाकी हेयर स्टाइल भी मैं अपनी डिमांड तक करवाने लाई रही मैंने 3-4 स्क्रीनशॉट दिखा दी कि मैंने सच्ची ड्रेस का अकॉर्डिंग सूटे डाल लिया हमने किसा है वो आपने थोड़ी सी देर में देखने मिलेगा फिलहाल तो आप मेकअप का प्रोसेस देख लो और पहले हेयर स्टाइल होगा फिर मतलब क्योंकि शूट में काफ़ी टाइम लग जाएगा तो पहले जो मेकअप वाला घंटा है ना वहाँ पे ईद बचा लिया फिर एकदम तक मेकअप हो जाएगा फिर कुकरे शूट कर लिए सारा मुँह फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा बना रखा है इन कह मैं सारा फाइनल लुक ही बेकून दिखने दूँ तो इस करके इसने मेरा नरा नरा पाउडर लथेड़ दिया एक बार तो मैं झटका देना हाँ बनाना पाउडर लूज पाउडर ना वही लगा रखा है एक बार फिर ये झड़क जाएगा फाइनल लुक तो आपने थोड़ी देर में दिखने मिलेगी बाकी देख सको आप और हेयर स्टाइल भी मैंने अपनी पसंद का मस्त वाला करवाया है अगर इबी भी आ कह रही है अगर सबका पूछ ले अगर सबका पसंद नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं मैं चेंज कर दूंगी सारा कुछ तेरे हिसाब से होगा और फिर चलेंगे शूट करने बड़ी वाले फोटो क्लिक कराएंगे बड़ी वाले वीडियो बनाएंगे आज मेकअप मेरा हो गया है डन और जमा 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 घना प्यारा लगे आप मेरी आँखें का अंदाजा लगे इसको ना तो बिल्कुल ओवर लगता और नू लगे कि बस रिंकू का न्यू वर्जन आ गया थोड़ा पुराना हो रहा था तो न्यू आ गया और या बस संतुष्ट नहीं हो रही ईबी भी मैं कहूँ बस बढ़िया हो गया लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ निकालने लग रही है तो
बस मैं आपने थोड़ी सी देर में दिखाऊंगी फाइनल लुक। इबे ये करली करवा लूँ, आगे जो ये कैड रखी है लट सी और टेप लगवा लूँ, ज्वेलरी पा लूँ और दुपट्टा सेट कर लूँ। कोई सीन ऐसा है, रिंकू का मेकअप चल रहा था वो भी कंप्लीट हो गया है और उसका मेकअप होने लग गया। इतना मैं एडिटिंग करता करता मन आया कि नींद तो मैं गया था सो, फिर था मैं तो माने नु करे कोई सूट करोगे फिर अंधेरा नहीं हो जा, तो मैं ही फटदन ही नहाया तैयार हो गया। तैयार तो क्या हूं मैं, नहीं है कपड़े पहरे हैं लेकिन कपड़े मेरे पुराने हैं, ये रिंकू पहन रही है नए, तो मैंने कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इसकी मैचिंग करनी पड़ेगी, जो तुमने सूत्रा लगूंगा कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पग बंधवाया हूँ, तो रिंकू ने जिस कलर का पैर रखा उस कलर की मैं पग बंधवा लूँ और फिर आप जो भी है नॉर्मली अपना शूट कर लें। बाकी मेरे यह चीज़ मतलब फील भी हो रही है मेरे, और मतलब हो रही है कि मतलब जो घर मैकी में भी प्रोग्राम हो, किसी का बर्थडे हो, कुछ भी होता है, मैम सबका बढ़िया तरीका था, मैं रिंकू मतलब सबका सेलिब्रेशन करा, सबका वो करा हाँ। पर आज मतलब मारे जो करके हूँ तो डंग तय मारते विश तक नहीं करे भाई, तेरी शादी की साल गिरा है तो मतलब मुबारक हो या कुछ भी हो, ना कोई केक कुक का तो जान दिखता, मंत्री लोग फोन करूँ उरे था वो 10-11-12 बजे तक तो मैंने उरे देखा, वो फिर मैं उस कमरा बढ़ के एडिटिंग ले गया था, फिर जो ही पाचा ना मैंने देखा ना फोन तक रहा कड़ा है वो है कड़ा नहीं है के बुरा भी केक लिया जा रहा के कर रहा, मैंने तो मतलब बेरा नहीं पर मतलब बुरा जरूर लग रहा इस चीज का, पर कोई चक्कर नहीं मैं रिंकू ने समझाने लग रहा हूँ, रिंकू मने के कोई चक्कर नहीं आप मतलब जो भी कोई प्लान ने को नहीं था तो आस भी के रखनी, तो आप अपना नॉर्मली फोटो शूट वगैरह करा और जे कौन सही करा कि मैं ठीक है नहीं शाम ना माँ पे हलवा करो है ना फाग आज अपना तो त्यौहार की तरह है हाँ, तो माँ पे करवाया कहने आलूआ और बढ़िया तरीके का आप चीज कर लेंगे भी। मैं चल पड़िया हूँ, गला मेरा साहिल है और माम जान लग रहे हाँ गुरुद्वारा में, मेरे मित्र प्यारे हैं उ दो चेहरे तो उनते मैंने फोन कर दिया कि मैंने पग चाहिए है और फोटो ही भेज दी थी रिंकू जिस कलर का वो पहन रही है नहीं लहंगा है या घाघरा जो भी है जगाड़ तो उसे कलर की मैंने पग चाहिए, मैं भाई वाह बांधनी है मेरे, और फिर मैं निकलूंगा था जो मैंने साहिल दी क्या तो मैं साहिल चल रहा है गल है मैं तीनों ले आया तैयार हो गया कड़े तैयार हो रहा था मैं तो ना आया था फिर मेरे दूसरे कपड़े मैले थे फिर मैंने सोचा चल गया पहले फिर मैं यहां पर आया। अच्छा तो साहिल के मैले कपड़े तेज करके इसने नई शर्ट पहन ली भाई सही है बाकी सही है मैं पग बैंद बंधु आया हूँ पग बैंद का सहत रिंकू तैयार है ही है उसने लेके चलना खेत में आप सीधे और खेत में जाते सहत फिर बनाएगा अपनी वीडियो और शाम ने जे कुछ कोई प्रोग्राम होगा तो अपने दिखता बाकी मना लगता है उन्हें कि होगा कि मैं क्योंकि कोई बेचारी को नहीं मेन तो फाग करके आई पे फाग था नहीं तो कुछ भी नहीं बन पाया ना कुछ कर पाए मैम और टेम भी को नहीं था ठीक तो उस करके के सोचा मैं उन्हें कि माँ पे ही आलूआ करवाया गया बढ़िया तरीका था अपना रोटी खावा इकट्ठे बैठ के ने वाह अपना इंजॉयमेंट है। पहुंच गया मैम खेत में पूरा चलना और वीडियो बनावा एक बार लुक दिखा लिया अपना बढ़िया तरीका था फिर वापिस घर चलेंगे पूरा कुछ मारा परिवार की मिल गई थी तो रिंकू उनका गला बतलाने लग रही है और तो हमने रिंकू का कलर तो दिखे गया वो उसका लहंगा आया फिर जो भी के कहूँ थी मैंने मना न्यू ने बेरा और रिंकू मैडम जी आने तो लग रही है मेरे नु हो रहा कदे डह नहीं पड़े हिल सी पैर रही है ड्योड़ पे
जी तो के रिपोर्ट है, लग रहे हैं दोनों सेट है। बाकी उरे मारी कुछ मतलब ज्यादा जितनी मैं सोचा थे उतनी ज्यादा वीडियो बनने को नहीं पाई, क्योंकि चुगर दे तो बरसीन मैं को पानी दे रखी है, ड्योल पैको रिंकू पे चल जाता, क्योंकि जे इन पैर टेक के नहीं बिना इसकी वो करे तो इसका यू गागरा सा इसमें पंजामा उड़ जाए। और दूसरा मर पे मंत्री तो कई बार कड़ा जा रहा, मैं तब ना कहूंगा जिस तरह ना मैं मंत्री पाया ना कोई और था वीडियो बनाने वाला या फिर फोटो उतारने वाला, मारी साहिल ने ले कह रहे हैं बस यू एडजस्ट कर रहे हैं मारी, जो फिर दो चेरिश पे उतरी हैं जिसी बेचारा ना आई तारनी बताए बस उसे किसी ने तैरी है, बाकी मतलब जिस जो कर सोच के जितना सोच के तैयार हुए थे उतना सोच के वो मजा आया को नहीं। बाकी मेरी लुक किसी लाएगी मेरी लुक जो तुमने एक बार ढंग से दिखाऊं देख लो आज, वैसे तो मैं ड्रेस लाने की सोच रही थी लेकिन मैंने अपना तीर तागा का कलेक्शन में ही डाल लिया है, इसमें के कुछ और का के कुछ नहीं, वो अपना तीर तागा पे चैनल पे जानी क्योंकि जीत ने मेरे तो सख्त वर्ड हम बोल रखे अपना काम की अपने तीर तागा की इस चैनल पर कोई जिक्र नहीं करेगी, कम से कम करेगी अगर करेगी तो फुल डिटेल आपने मैं ओड़े बताऊंगी। आज के दिन एनिवर्सरी के दिन पूरा एक साल में आवे है और यो दिन मेरे खातर घना स्पेशल है, आज मारे ने 3 साल हो गए तो इस करके मैंने ड्रेस भी थोड़ी सी एंडी रखी। फिर जीत बोलिया सवेरे ठीक है मैं भी अगर तेने पंजाबी सालू क्रेडिट करने लगी तो मैं भी पगड़ी बनवाऊँ, तो ये भी पगड़ी बनवा रही। मेरा एक रीजन यो भी था कि कल मैंने कोई ड्रेस पाई है कौन थी ओड़ा जुगर था हमने बेरा ये दे लेने गए थे जो कोई मेरा पसंद नहीं आया कुछ नहीं बनया, तो सिंपली यू मेरा पहला का पड़िया था कुर्ता पजामा मतलब कुर्ता सा यू कौन सा वर्क है चिकनकारी वर्क वाला, एक मेरे बेबे का ब्याह में सिलवाया था मैंने जो बुआ वाली छोरी थी करनाल शादी में गए थे मैं उस टाइम पर सिलवाया था यू, तो जो का था यू फिर मैंने पग पूरी कोशिश करी मैंने कि मैं इसकी उस कलर से मैच करूँ, मैंने 3-4 बोल लिया तो उसने मेरा जो मित्र था उसने 4 या 5 पग मेरे से दे रखी थी मतलब भाई जो इससे सही मिलती जुलती हो, पर उस ते मतलब ओड़े मैं जो फोन में फोटो ले रहा था नहीं उसते या ही मैंने लैगी सब तक नहीं मिला है, पर ये फर्क मैं थोड़ी मतलब पूरी को नहीं मिलती है यू लीला कलर है वो दूसरा है यो कबूतरी है वो दूसरा कबूतरी है हाँ मतलब हो गया अलग चलो कोई ना। और ये आप घर आए जे अपना आदू राजा पूरा लग रहा है माग ले खेलन वैसे मैं उन्हें खेत में लग गया अच्छा टाइम काम थोड़ा बने पर अंदर नू ले लियो मैं कैब जगह थे अपना और भी करना है कपड़े चेंज करने में कुछ नहीं करना करना गया अपने करो कपड़े चेंज। मैं तो ये कपड़े चेंज करने चल रही थी बस आदू तो दूध पियाऊं और पहले माँ पहले कपड़े चेंज करूँ क्योंकि दूध पियाई कोई देर हो गई नहीं जाने तो पहले पिया था फिलहाल तो अंगूर खाने लग रही, लेकिन उस साइड तक काला के फोन आए हैं कि तारा खातर कुछ पार्टी कर रखी सरप्राइज कर रखा है प्लान तो मैं जल्दी आओ लोकेशन भेजी है मैंने तो अभी तक लोकेशन भी कौन दिखी है पार्टी तो चाचा का फोन आया काला का यो देखो कब हो गया तने के वीरा झूठ बोलता होगा फिर अरे और जो प्रैंक करता होगा फिर मैं एक बार लोकेशन देख लूं और मेरी माँ भी थी दोरे मेरी माँ भी मंद मंद मुस्कान लग रही है भी और जीत ने बताऊं पहले तो मैं वे ली चल लगे कई बार जीते थे जीत ने बात करी कोई क्योंकि आज दिन दोनों भाई खटपट हो गई वे बैर चले गए इनका फिर मूड ऑफ हो गया भी सारा दिन रुका रुका गया काला का फोन आया है नू बोला कि उरे मैंने लोकेशन भेजी उस लोकेशन पे जो बढ़िया सरप्राइज है तारे खातर और नोर को था एक बंदा और तारा इंतजार करने लग रहा है स्पेशल सरप्राइज है कुछ जबकि मैंने नू भी कह दिया था कि मार काट मैंने देखी होनी है लोकेशन है क्या कर रहे हैं एक बार लोकेशन तो देख लो ले लोकेशन देखो कितनी है इनके सलाह से फिर तो जिते दाल में काला है और मैं पूछूंगा घंटी क्या तो पहन रहे हो इतने परेशान हो आया हमने इतनी हिम्मत हो ये नहीं क्यों पहन रहे हो मत अपने किधर तो जाके आए हो
कड़े भी नहीं पहरे हो नहीं सकता कड़े और चप्पल भी नहीं पहरे चाहे तो कितने जाके आए चाहे कितने जान की तैयारी है देखूंगी भी। अरे आप खेत में गए जो सारे उड़े थे हाँ इस बीच गए हैं और लोकेशन कैथल की भेज रखी हम तो कैथल गल होगी तो पक्का पाव आया तो सुना कुछ मैं तो कपड़े चेंज करने चाहिए आपने जाना नी कया का जो दिखा सारा ने लिया मन वेरा गणेश आपने वेरा आपकी शक्ल तो वेरा लग लग चीज नोटे को नहीं करी तू बात तो नहीं मैं भी कर लंदी मेरे तो मेरी पोती थी मैंने नहीं मार को नहीं आड़े ठीक होते ना फिर देखूंगी मैं अच्छा जान जाओ रात में के बात है पूरा प्लान बता दे रही प्लान तो फिर उड़ जाएगा देखा करेंगे ना नहीं को बताते हैं किसे कहवा नहीं तैयार करांगे ना दूला ना तैयार करांगे आ दूना भी